हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल D2 एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन वॉलनट इज डन बाय। दोस्तों, बताना है कि वॉलनट में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइन के द्वारा। ओके, अगर अदर क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप में और वाइन के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पपाया, जैक फ्रूट, सपोटा एंड पॉमग्रेनेट। ओके, कौन कौन सा है? पपाया, जैक फ्रूट, सपोटा एंड पॉमग्रेनेट, इसमें भी वाइन के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। ओके, अगर वॉलनट की बात करें तो वॉलनट को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ नट्स कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? जुगलेंस रेजिया, जुगलेंडेसी फैमिली का है एंड क्रोमोसोम नंबर इसका 2n=32 होता है। ओके, एंड ओरिजिन इसका सेंट्रल एशिया है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। दोस्तों, बताना है कि कौन से फ्रूट क्रॉप को फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवोकाडो। ओके, एवोकाडो को फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जैक फ्रूट को नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, या पुअर मैंस फूड, पुअर मैंस फूड, फूड है, ओके, फ्रूट नहीं है ये, फूड है, पुअर मैंस फूड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंड पीकन नट की बात करें तो ये क्वीन ऑफ नट भी कहते हैं इसको, क्वीन ऑफ नट। ओके, एंड मैंगो की बात करें तो मैंगो क्या बोलते हैं? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ फ्रूट्स, प्राइड ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट्स, सिंबल ऑफ लव, हिंदुस्तान फ्रूट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है मैंगो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जामुन ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों, बताना है कि नॉर्थ इंडिया में कौन से टाइप्स के जामुन जो कि ग्रो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजामुन, राजामुन या राम जामुन भी कहा जाता है इसी को, राजामुन। ओके, तो इसका अगर क्यों ग्रो किया जाता है इसकी बात करें, क्योंकि राज जामुन जो कि एक बिग साइज की फ्रूट वैरायटी है ना, बिग साइज फ्रूटेड वैरायटी है जो कि डार्कली पिगमेंटेड होता है। ओके, अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो धूप दल है जिसको GI टैग मिला है, ओके, एक जामुन की वैरायटी है। अगर पूछ दिया जाता है कि जामुन की कौन सा वैरायटी है जिसको GI टैग मिला है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा धूप दल। ओके, धूप दल, एंड पॉपुलर कहाँ है ये? पॉपुलर इन कर्नाटका में है पॉपुलर। ओके, एंड गोमा प्रियंका की बात करें तो गोमा प्रियंका जो कि सेमी ड्वार्फ अर्ली वैरायटी है, सेमी ड्वार्फ एंड अर्ली वैरायटी। ओके, एंड CISSJ42, ओके, CISSJ42 जो कि एक सीडलेस वैरायटी है जामुन की। ओके दोस्तों, इससे अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, एक तो यहीं से बन गया राजामुन से, दूसरा धूप दल से, इम्पोर्टेंट धूप दल भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ओके, क्योंकि इसको GI टैग मिला है। ओके, पॉपुलर कहाँ है इसका? कर्नाटका में है। ओके, पॉपुलर जो मतलब कर्नाटका में ही इसको ग्रो किया जाता है। एंड गोमा प्रियंका जो कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। ओके, एंड CISSJ42 जो कि एक सीडलेस वैरायटी है जामुन की। ओके दोस्तों, याद रखना सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्का अभय इज अ वैरायटी ऑफ। दोस्तों, बताने कि अर्का अभय किसकी वैरायटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओकरा। दोस्तों, अर्का अभय जो कि ओकरा की एक वैरायटी है, अगर अर्का अभय की बात करें तो अर्का अभय जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलीज वैरायटी है। ओके, जिसका पेरेंट्स कौन है? एबल मोस्कस एस्कुलेंटस इंटू एबल मोस्कस टेट्राफाइलस। ओके, जो कि रेजिस्टेंट है येलो इन मोजेक वायरस के लिए एंड टॉलरेंट है फ्रूट बोराइड के लिए। ओके,
अगर दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन से वैरायटी रेटिनिन के लिए सूटेबल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अर्का अभय। अर्का अभय जो कि रेटिनिन क्रॉप के लिए भी सूटेबल है। रेटिनिन मतलब उसको फिर काट के फिर से मतलब वो ग्रो कर लेता है। अगर काट दे उसको एक फसल लेने के बाद काट दिया जाता है तो फिर ग्रो करके फिर फ्रूटिंग होता है उसमें। ओके, इतना याद रखना दोस्तों। ओके, अगर देखिए इसमें यहाँ पर अर्का अभय दिया हुआ है ना, अगर इसी में यहाँ पर अर्का आभा दे दिया, अर्का आभा दिया तो कौन किसकी वैरायटी हो जाएगा, टोमेटो की। ओके, टोमेटो की वैरायटी है अर्का आभा एंड अर्का अभय ओकरा की वैरायटी। ओके, अगर टोमेटो की वैरायटी अर्का आभा की बात करें तो अर्का आभा जो कि रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल विल्ट के लिए। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरोमा इन ड्राई फ्रूट्स ऑफ एप्पल इज ड्यू टू, दोस्तों बताना है कि जो एप्पल के राइप फ्रूट्स में अरोमा होए किसके वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटेरेट के कारण होता है। ओके, ये तो हो गया राइप फ्रूट्स की। अगर एप्पल में ग्रीन फ्रूट्स की बात करें तो ग्रीन फ्रूट जो कि हेक्सोनल के कारण इसमें अरोमा पाया जाता है। ओके, एंड अगर यूजेनॉल की बात करें तो जो राइप बनाना होता है उसमें यूजेनॉल पाया जाता है, यूजेनॉल के कारण उसमें अरोमा होता है। ओके, एंड आइसोपेंटेनॉल की बात करें तो जो ओवर राइप बनाना होता है, ओवर राइप बनाना, आइसोपेंटेनॉल के कारण इसमें अरोमा पाया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस टी एम्ब्रियोस इज इम्प्रूव कल्टीवर ऑफ, दोस्तों बताने कि एस टी एम्ब्रियोस किसकी इम्प्रूव कल्टीवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों एप्रिकोट की। ओके, एप्रिकोट का इम्प्रूव कल्टीवर है एस टी एम्ब्रियोस, जो कि एस टी एम्ब्रियोस की खासियत क्या है, ये लो चिलिंग सब ट्रॉपिकल वैरायटी है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड एंड चार्जर आर रिलेटेड टू विथ, दोस्तों बताने कि कोल्ड एंड चार्जर किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरी। ओके, कोल्ड एंड चार्जर चेरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनिकली एप्पल इज, दोस्तों बताने कि एप्पल कौन सा फ्रूट है। तो एप्पल जो कि एक फास्ट फ्रूट है। ओके दोस्तों, फास्ट फ्रूट क्या होता है, फ्रूट का जब डेवलपमेंट ओवरी के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे कि रिसेप्टिकल हो गया, कैलिक्स हो गया, इससे होता है फ्रूट का निर्माण, तो इसको फास्ट फ्रूट कहते हैं। ओके, फास्ट फ्रूट में और कौन कौन सा आ जाता है, फास्ट फ्रूट की एग्जांपल है जैसे कि एप्पल तो हो गया, एप्पल में और एप्पल मतलब पोम में जितने भी फ्रूट आते हैं वो फास्ट फ्रूट होते हैं। एप्पल के अलावा पियर, क्वींस, लोकट, ये फास्ट फ्रूट हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल, मलबेरी, ये भी फास्ट फ्रूट के एग्जांपल है। ओके दोस्तों, एंड एक ट्रू फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी के फर्टिलाइजेशन से होता है तब उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, लेमन, चेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, ये क्या है, ट्रू फ्रूट्स है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमला सीरीज ऑफ एप्पल रूट स्टॉक आर रेजिस्टेंट टू, दोस्तों बताना है कि जो इमला सीरीज के जो एप्पल के रूट स्टॉक है वो किसके प्रति रेजिस्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ओके, इमला का फुल फॉर्म क्या है, इमला का फुल फॉर्म होता है ईस्ट मेलिंग लॉन्ग एस्टर्न, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केंट इंग्लैंड में। ओके, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारतूरा ट्रेलिस सिस्टम इज अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्टेड इन विच क्रॉप, दोस्तों बताना है कि ट्रेनिंग सिस्टम है कौन सा, तारतूरा ट्रेलिस सिस्टम जो कौन से क्रॉप में अडॉप्ट किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीच, पीच में अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें स्पेसिंग क्या रखते हैं, स्पेसिंग रखते हैं 5x1 meter रखते हैं, जिसमें 2000 प्लांट पर हेक्टेयर प्लांट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौबटिया अलंकार इज अ वैरायटी ऑफ, दोस्तों बताना है कि चौबटिया अलंकार किसकी वैरायटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्रिकॉट। ओके दोस्तों, चौबटिया अलंकार जो कि एक लो चिलिंग वैरायटी है, लो चिलिंग एंड अर्ली राइपनिंग वैरायटी है। अगर इसकी क्रॉस की बात करें तो क्रॉस जो कि कैसू इंटू चार मग्स। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंट इज इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ, दोस्तों बताना है कि केंट
किसकी वैरायटी है? तो केंट जो कि एक कॉफ़ी की एक वैरायटी है। ओके दोस्तों, कॉफ़ी की वैरायटी है केंट। केंट क्या है, केंट का एक थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। केंट जो कि एक म्यूटेंट वैरायटी है, अर्ली रैपनिंग वैरायटी है। ओके दोस्तों, एंड केंट जो है कौन से टाइप के स्पीसीज की वैरायटी, मतलब कॉफ़ी की दो स्पीसीज होती है, एक अरेबिका एंड रोबस्टा, तो एक केंट जो है किसकी स्पीसीज है, कौन से टाइप्स की कॉफ़ी की स्पीसीज की वैरायटी है? तो ये हो जाएगा आपका, ये है अरेबिका कॉफ़ी की वैरायटी। ओके, अरेबिका कॉफ़ी की वैरायटी केंट है, जो कि एक म्यूटेंट वैरायटी है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी, है ना। एंड कॉफ़ी को क्या बोलते हैं, और कॉफ़ी को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप भी बोलते हैं ना। एंड कॉफ़ी का ओरिजिन क्या है, इथोपिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी येलो डिसीज इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, दोस्तों बताना है कि टी में येलो डिसीज आता है वो किसकी डिफिशेंसी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेबिका कॉफ़ी इज प्रोसेस्ड बाय, दोस्तों बताना है कि अरेबिका कॉफ़ी का प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड किससे होता है, कौन से मेथड से होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट मेथड। ओके, ये हो गया अरेबिका कॉफ़ी का पूछा, इसलिए वेट मेथड। एंड अगर रोबस्टा कॉफ़ी का पूछे तो उसका होता है ड्राई मेथड से। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ गार्डन स्टाइल, दोस्तों बताना है कि कौन सा गार्डन स्टाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन। ओके, अमेरिकन जो कि एक गार्डन स्टाइल नहीं है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैपनीज मेथड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज, दोस्तों बताना है कि जैपनीज मेथड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इके बाना। ओके, इके बाना जैपनीज मेथड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है। ओके, तो अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि फर्स्ट स्क्यूल ऑफ इके बाना ऐसा करके पूछा जाता है, तब आप क्या आंसर करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इके बोनो। ओके, इके बोनो क्या है, फर्स्ट स्कूल ऑफ जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट। ओके, फर्स्ट स्कूल है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। एंड मोरीमोना की बात करें, मोरीमोना क्या होता है, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर को अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं मोरीमोना, जो कि एक इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट का टाइप है, है ना, इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकोनट वाटर प्रेजेंट इन, दोस्तों बताने कि कोकोनट वाटर में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है कोकोनट वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाजेनिया प्रेजेंट इन, दोस्तों बताने कि मेटाजेनिया किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है पीकानट, पिसाचियोनट एंड डेट पाम या ऑल। तो दोस्तों, मेटाजेनिया जो कि प्रेजेंट होता है, पीकानट में भी प्रेजेंट होता है, पिस्ताचियोनट में भी प्रेजेंट होता है एंड डेट पाम में भी प्रेजेंट होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुहारा मेकिंग वैरायटी ऑफ डेट पाम इज, दोस्तों बताना है कि छुहारा मेकिंग के लिए कौन से वैरायटी यूज़ करते हैं डेट पाम में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑल। ओके, इसमें खाद्रावे, मेदजूल एंड सरमन जो कि एक छुहारा मेकिंग वैरायटी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल ब्रेक डाउन इज मोर सेवरे इन पॉमग्रेनेट, ओके दोस्तों बताना है कि पॉमग्रेनेट में इंटरनल ब्रेकडाउन होता है कौन से बाहर में होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबे बाहर। ओके, अंबे बाहर में इंटरनल ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, इनब्रिक बाहर में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या होता है पॉमग्रेनेट में, फ्रूट क्रैकिंग का, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन से बाहर में होता है, इनब्रिक बाहर में फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है ना। जो क्रैकिंग किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका कैल्शियम बोरान एंड पोटास, कैल्शियम बोरान एंड पोटास के कारण होता है, इसकी डिफिशेंसी से होता है। इसके अतिरिक्त सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस हो जाता है तो भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है। एंड डे एंड नाइट टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, सडनली फ्लक्चुएशन हो जाता है,
तो भी फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है, जो कि एक मीठ बहार में सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरोमा इज मैंगो स्टीन इज ड्यू टू, दोस्तों बताना है कि मैंगो स्टीन में अरोमा किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्साइल एसीटेट। ओके, एक्साइल एसीटेट के कारण मैंगो स्टीन में अरोमा पाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलियोफिल प्लांट इज, दोस्तों बताना है कि हेलियोफिल प्लांट कौन सा क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकोनट, है ना। हेलियोफिल मतलब क्या होता है, सन लविंग प्लांट। सन लविंग प्लांट को बोलते हैं, सन लविंग प्लांट को हेलियोफिल प्लांट बोला जाता है। ओके, तो कोकोनट राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहद कोकोनट इज अ वैरायटी ऑफ, दोस्तों बेहद कोकोनट किसकी वैरायटी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वावा। ठीक है, ग्वावा की वैरायटी है बेहद कोकोनट, जो कि एक सीडलेस वैरायटी है। ओके, सीडलेस वैरायटी है बेहद कोकोनट। एंड ग्वावा की अदर सीडलेस वैरायटी की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर सीडलेस, नागपुर सीडलेस एंड बेहद कोकोनट। ये तीन सीडलेस वैरायटी है ग्वावा की। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट इरीगेशन प्लांट इन इंडिया, दोस्तों बताना है कि कौन से लार्जेस्ट इरीगेशन प्लांट है इंडिया की, तो कौन से कैनाल में है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन क्लोरोसिस ऑफ फालसा इज मेन प्रॉब्लम इन, दोस्तों बताना है कि आयरन क्लोरोसिस होता है फालसा में, वो कौन से सॉइल में मेन प्रॉब्लम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलकेरियस सॉइल में। ओके, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्नो मैंडरिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, दोस्तों बताना है कि किन्नो मैंडरिन फर्स्ट कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ओके, पंजाब में किन्नो मैंडरिन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, ये किया था 1915 में। ओके, 1915 में इसको पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बात करें किन्नो मैंडरिन की, है ना, तो किन्नो मैंडरिन का क्रॉस क्या है, किंग इंटू विलो लीफ, किंग इंटू विलो लीफ। ओके, इसका क्रॉस है जो कि एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। ओके दोस्तों, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, इसका क्रॉस क्या है, किंग इंटू विलो लीफ। एंड इसको डेवलप कौन किया था, इसको किया था डॉक्टर एचबी फ्रोस्ट। ओके, कहाँ से किया था ये भी जान लेते हैं। ये किया था सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन, कहाँ ही है, कैलिफोर्निया में। ओके, कैलिफोर्निया में है सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन से इसको डेवलप किया गया था। ओके दोस्तों, याद रखना सभी को क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलिक्स इन रॉट इन ग्रेप्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, दोस्तों बताना है कि ग्रेप्स में कैलिक्स इन रॉट आता है किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम की डिफिशियंसी से। ओके, एंड ग्रेप्स में और कौन कौन सी मिनरल्स की डिफिशियंसी आता है इसको जान लेते हैं। एक होता है सॉल्ट बेरी आता है ग्रेप्स में, जो कि बोरान की डिफिशियंसी से होता है। ओके, बोरान की डिफिशियंसी से सॉल्ट बेरी आता है, सॉल्ट बेरी। ओके, एंड और इसके अलावा इंटरवेनल क्लोसिस आता है। ठीक है, इंटरवेनल क्लोसिस आता है जो कि मैग्नीशियम जिंक आयरन की डिफिशियंसी से होता है। ओके दोस्तों, एंड एक और आता है इसमें ब्लॉसम इन रॉट करके, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से ही होता है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी को क्लियर है ना। ओके, कैल्शियम की डिफिशियंसी से कैलिक्स इन रॉट एंड ब्लॉसम इन रॉट आता है, एंड सॉल्ट बेरी आता है जो कि बोरान डिफिशियंसी से, एंड इंटरवेनल क्लोसिस जो कि मैग्नीशियम जिंक एंड आयरन की डिफिशियंसी से। ओके दोस्तों, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कोर इन कोकोनट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, दोस्तों बताना है कि वाटर कोर आता है किसमें आता है, कोकोनट में, है ना, तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान। बोरान की डिफिशियंसी से कोकोनट में वाटर कोर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कारिशा परनीसियोसी इज बायो कंट्रोल ऑफ, दोस्तों बताना है कि इन कारिशा परनीसियोसी जो कि किसका बायो कंट्रोल एजेंट है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजोग स्केल का है।
ओके दोस्तों, संयुक्त स्केल का ये बायो कंट्रोल है, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सोकार्डिटिस इज ट्रांसमिटेड बाय। दोस्तों बताने कि एक्सोकार्डिटिस किससे ट्रांसमिट होता है, ये मैकेनिकली या टूल से ट्रांसमिट होता है, या वाइट फ्लाई या एफिड या लीफ माइनर से ट्रांसमिट होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टूल्स। ओके, टूल से या मैकेनिकली ट्रांसमिट होता है एक्सोकार्डिटिस। ओके, अगर इसका एक्सोकार्डिटिस के कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या है, ये वायराइड से होता है। ठीक है, एक्सोकार्डिटिस किससे होता है, वायराइड से होता है, वायराइड से। ओके, इसके लिए इंडिकेटर प्लांट्स यूज करते हैं सिट्रस क्रॉप्स में, है ना, सिट्रस का है। ओके, एक्सोकार्डिटिस किस में आता है, सिट्रस में आता है, जो मैकेनिकली या टूल से ट्रांसमिट होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वायराइड से है, जिसके लिए इंडिकेटर प्लांट यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, रंगपुर लाइम। ओके, रंगपुर लाइम का यूज करते हैं इंडिकेटर प्लांट के रूप में। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।